करनाल इंद्री के गांव खानपुर में अजय नाम के युवक की मौत होने से लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। वहीं अजय की मौत पर पोस्टमार्टम करवाने के लिए उनके परिजन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंचे। मृतक अजय के भाई प्रवीण ने बताया कि अजय कुमार की बॉडी पर चोट के निशान मिले हैं। उन्होंने उनका मर्डर करने की बात करते हुए कहा कि पैसे के लेन देन के चलते जिन लोगों के साथ विवाद हुआ था उन्हीं लोगों ने अजय का मर्डर किया है। पुलिस जाँच अधिकारी ने बताया कि मृतक अजय कुमार के पिता सोहन लाल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए सीआईए की टीम भेजी जा रही है और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहां पोस्टमार्टम रूम में बड़ी संख्या में खानपुर गांव के निवासी मौजूद रहे और उन्होंने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की। क्या मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये खानपुर गाँव में अजय नाम का एक लड़का था जो रात को 10-11 बजे अपने घर से घूमने के लिए निकला था और उनके परिवार वालों को सुबह सूचना मिली कि खानपुर बस अड्डे के पास अजय की डेड बॉडी पड़ी है। जो घर वालों ने वहाँ जाके देखा तो डेड बॉडी को काफ़ी चोटें लगी हुई थी और रगड़ के निशान थे। नंबर प्लेट पड़ी थी गाड़ी की, बाल वगैरह ब्लड बहुत ज़्यादा था। एक जगह चप्पल, मोबाइल, बैटरी और लोअर पड़े हुए थे। डेड बॉडी के नज़दीक जैसे ही घटनास्थल था तो सोहन लाल जी के बयान पर उनके पिताजी के दरखास्त पर से मुकदमा दर्ज कर दिया 302 IPC और तफ्तीश जारी है। अभी पोस्टमार्टम कराने हैं, टीमें लगा दी गई हैं CIA की एक्यूज़ को पकड़ने के लिए। कहाँ का मामला है? खानपुर गांव का। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर दिया है, पोस्टमार्टम कराने लग रहे हैं अभी। यहाँ कागज तैयार करके पोस्टमार्टम कराएंगे और जो एक्यूज़ को पकड़ने के लिए अलग से टीमें बना के भेज देंगे। कोई गिरफ्तारी हुई इस मामले? बस अभी टीमें गई हुई हैं। ये हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ गांव खानपुर के पास अजय नाम का लड़के की यहाँ बॉडी पड़ गई है। तो हम यहाँ आए तो उसको देखा, इंजरी काफ़ी इंजरी है तो हमने इसमें 302 की FIR दर्ज कर दी है। गांव के कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करवाई है। तो इसमें हमने 3-4 पार्टीज बना दी है, CIA हमारी 1-2 और एक खुद SHO, मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है सर? नहीं, फर्स्ट तो यही लग रहा है कि 302 का ही पर्चा दर्ज करा, मर्डर ही लग रहा है। बाकी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम, मैं खुद मॉनिटर करूँगा और इसमें हम जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट कर रहे हैं। तो क्या मामला है, क्यों हुआ ये कुछ पता लगा? नहीं, इनका पहले से भी कोई रंजिश है गाँव में ही, कोई पैसे का लेन देन भी है, कुछ दिन पहले भी इनका कुछ झगड़ा हुआ इस बात में। तो ग्रामीण गिरफ्तारी कर रहे थे? हाँ, ये तो नेचुरली बात है। 8-10 बजे तकरीबन उसे लिख जाता। अच्छा, फिर इसके गोमक थी कल बोल चाल हुई लड़ाई। तब इसके भाई ने मेरे तेन कहा था इनका करवा दे, तो फैसला सा नहीं तो हमारा भी छोरा ऐसे या मेरा भाई लोगा कुछ कर देगा। तो जी हमने तो दो इसी पर सा नंबर प्लेट उनकी पड़ी गाँव वाले की अटू नहीं। इसका जी रणधीर जगमाल उनके पोते आज जो मैं बाहर माला मूल काम करा और प्रिंसिपल ने बहुत ख्याल रखा जी। पहले भी ना गाँव में तो बरागे के छुरा चढ़ा दिया था, मैं बच गए थे किसी तरीके से, उनका नाम नहीं आया था। दिन पहले हुई थी यार, इसके भाई ने खुद मेरे तक आया था। मैं इसका भाई हम दोनों मान लिया सामने बैठे थे, मारे घर में बैठे थे, मेरे तक कहा गया जो इनका तो करवा देने का, हमारा कुछ नहीं कुछ कर देगा। फिर मेरे दोस्त मेरी पता लगे थे उनके खिलाफ तेरी कार्रवाई इतना जी, मैं यहाँ पे नोटी क्लियर हो रहा। अभी हमारे साथ मौजूद है खानपुर वासी और ये बताएंगे कि क्या मामला है। आज से 15 दिन पहले उनकी लेन देन के ऊपर झगड़ा हुआ था। कौन लोग थे वे? सुखबीर पारिवारिक थे जी। नाम बताओ। सुखबीर, जगमाल, रणधीर और उनके 3 बच्चे जी, राहुल और क्या नाम है उसका दूसरे का, प्रदीप और सचिन। हाँ जी, उन्हें झगड़ा किया जी। झगड़े के बाद दो दिन पहले में गुरु धमकी देकर गए जी, ये तुम्हारे पैसे का लेन देन करो वरना हम इसे जान से मारते हैं। और 2 दिन बाद ये घर से बुला के ले गए जी। फिर ये 10-11 बजे के तकरीबन घर को ने फ़ोन ट्राई किए, कोई फ़ोन नंबर नहीं मिला। उसके बाद ये सुबह 5 बजे पता लग गया, गाँव वालों ने सूचना दी कि वहाँ अजय कुमार पड़ा है। फिर हम वहाँ गए मौके पर, वहाँ देखा जी फोर्ड कार जो उनकी कार थी उनका नंबर प्लेट पड़ी बेकायदा, उनका टैग पड़ा और जो मोबाइल और चप्पलें थी बहुत दूर थी वो घर के पास ही थी, वहाँ उसके साथ झपटा झुपटी। आप क्या लगते हैं? मैं उनके चाचे का लड़का हूँ। तो क्या शंक करते हैं आप? बस गिरफ्तारी हो जी उनकी जल्द से जल्द। नहीं, क्या डाउट आपको? हत्या, मर्डर है जी उन लोगों ने। हाँ जी, क्या की जी?
घर कह के पूरा प्लानिंग के साथ मर्डर किया। रात गांव वालों ने उनकी दो कारें भी देखी थी वहाँ, दोनों कारों में वो शराब का सेवन कर रहे थे इसी कार में। उन्हीं के पास पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई तो इंसाफ मिलना चाहिए जी, हम अरेस्ट होने चाहिए जी। क्या नाम अपना? प्रवीण जी।